आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज एक्सप्रेस। इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट रांची में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 का सफल आयोजन। झारखंड सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा संचालित इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट रांची में प्रमोशन एंड एडवर्टाइजिंग ऑफ लेजर एक्टिविटी फॉर सस्टेनेबिलिटी ऑफ हॉस्पिटैलिटी विषय पर यात्रा, पर्यटन, आतिथ्य और संस्कृति पर दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के मुख्य अतिथि झारखंड सरकार के माननीय राज्यपाल श्री रमेश बैस गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में योजना एवं विकास विभाग के सचिव श्री राहुल शर्मा एवं श्री राहुल कुमार सिन्हा पर्यटन निदेशक मौजूद थे। सम्मेलन के मुख्य संरक्षक के रूप में IHM रांची के प्राचार्य डॉक्टर भूपेश कुमार अध्यक्ष, सम्मेलन के संयोजक एवं आयोजन सचिव IHM के विभाग अध्यक्ष श्री आलोक ओसवाल मौजूद थे। हमारा एक राज्य ऐसा है जहाँ पर कि हर दृष्टिकोण से, चाहे वह आध्यात्मिक हो, धार्मिक हो, नैसर्गिक हो, हर तरह के पर्यटन की विकास की असीम संभावनाएं हैं। विगत कई एक सारी प्रक्रियात्मक परेशानियां आती हैं, जब बहुत सारे क्लियरेंसेस लेने के क्रम में, जैसे वन विभाग के क्लियरेंसेस हो गए, ज़मीन से संबंधित क्लियरेंस हो गए, उनसे संबंधित या स्थानीय विधि व्यवस्था की बात आ जाती है, तो उनकी वजह से कुछ परेशानियाँ आती हैं। लेकिन स्टिल बीते वर्षों में जितने भी महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल हैं, चाहे वह देवघर हो, पारसनाथ हो, बासुकीनाथ हो, नेतरहाट हो, पतरातु हो, जगहों पर उम्दा पर्यटकीय विकास हुआ है, वह निरंतर आगे भी इसी प्रकार से चलता रहेगा। हम लोग का अभी वर्तमान में यह दायित्व है, यह दृष्टिकोण है कि जो अनएक्सप्लोर्ड लोकेशंस हैं, बहुत सारे अभी भी ऐसे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं जिन पर अभी नज़रें जा भी नहीं पाई हैं, तो उन सब जगहों को भी खोज कर निकालना और उन सब जगहों पर भी जो भी पर्यटकीय सुविधाएँ होती हैं, चाहे वो कितने छोटे पैमाने की हैं क्यों ना हो, तो वहाँ पर उन सभी को उपलब्ध कराना। पर्यटन वर्तमान में ABCD चार डिफरेंट कैटेगरीज़ में समस्त राज्य के सभी ज़िलों में वेरियस पर्यटक स्थलों को कैरेक्टराइज़ किया जा रहा है। ए, जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति वाले पर्यटक स्थल रहेंगे, बी, जहाँ पे की राष्ट्रीय ख्याति वाले, सी, जहाँ पे की राज्य स्तरीय ख्याति वाले, तथा डी, जो स्थानीय ख्याति वाले पर्यटक स्थल हैं। इन सभी पर्यटक स्थलों के लिए अलग अलग तरीके से नीति निर्माण किया जा रहा है, इनके लिए कहाँ कहाँ से फंड्स का व्यवस्था किया जाएगा, उस दृष्टिकोण में तैयारियाँ की जा रही हैं। जल्द ही आप देखेंगे कि हर एक चार कैटेगरीज़ के पर्यटन स्थलों पर अलग अलग तरीक़ों से नियमित रूप से फंड्स की अवेलेबिलिटी तथा प्रॉपर डिज़ाइन बनाकर लॉन्ग टर्म टूरिज्म को सस्टेन करने वाली विधि पर कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय लोग